गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक नाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एमएलटी कॉलेज सहरसा, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, बिहार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो न केवल बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर वन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक दोनों में ही कॉमन है, बस इसके विषय वस्तु में थोड़ा सा अंतर है। जहाँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में इसे क्लियरली डिफाइन किया गया है कि इक्वालिटी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि इक्वालिटी एंड इट्स डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एंड देन इट्स रिलेशनशिप विथ राइट, जबकि एमए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इसे डिफाइन नहीं किया गया है और इक्वालिटी केवल एक टॉपिक के रूप में ही रखा गया है। तो इस वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम इन सभी विषयों को, सभी पहलुओं के संबंध में बात करेंगे, ताकि ये बीए पॉलिटिकल साइंस और एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सामान्य रूप से उपयोगी हो सके। जब हम समानता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद पहली बात यह आती है कि समानता किस बात की, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, देन व्हाई डू वी नीड इक्वालिटी। और तब हम यह क्वेश्चन खुद से ही पूछ सकते हैं, डू वी ऑल रियली इक्वल, क्या हम सचमुच सभी सचमुच समान हैं। ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जाने बिना हम समानता को नहीं समझ सकते, या फिर इन प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता है जिन्होंने असमानता का अनुभव किया हो। जनरली जब हम समानता, किस बात की समानता की बात करते हैं, तो कई बार लोग जवाब दे सकते हैं ये अधिकारों की समानता हो सकती है, संसाधनों की समानता हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ की समानता हो सकती है, ट्रीटमेंट की समानता, रिस्पेक्ट की समानता एंड सो ऑन। तो इन्हीं विषयों के संदर्भ में हमें समानता की अवधारणा को भी समझना होगा। सबसे पहले जहाँ तक हमें पता है, अरस्तु जो यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने जब न्याय की बात अपनी कही तो उन्होंने कहा न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस, इट्स अबाउट ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड द सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। अर्थात जो एक तरह से समान है उन्हें समान रूप से व्यवहार किया जाए उनके साथ, और जो असमान है उनके साथ असमान रूप से व्यवहार किया जाए। यह कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने समाज में व्याप्त जो असमानता थी उसको उन्होंने जस्टिफाई करने का प्रयास किया कि दास और महिलाएं जो हैं उनके साथ एक अलग तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो पढ़े लिखे हैं, सद्गुण संपन्न हैं, उनके साथ एक अलग तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन इससे अलग आधुनिक समय की शुरुआत के समय, आधुनिक राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ, एक अन्य दार्शनिक जिन्होंने सबसे पहले एक्चुअली असमानता पर ज़्यादा तार्किक दृष्टिकोण से बात करने का प्रयास किया, उनका नाम है जीन जैक्स रूसो। रूसो ने कहा कि सभी लोग समान नहीं होते, जन्म से सभी समान नहीं होते, उनके बीच कलर, उनकी बनावट, उनकी कैपेसिटी, इन सबको लेकर के इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं, असमानताएं हो सकती हैं, जिसे उन्होंने नेचुरल इनइक्वालिटी कहा, प्राकृतिक समानता। लेकिन इसके अतिरिक्त कई ऐसी समानताएं, असमानताएं हैं जो समाज में उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि, और वो जो असमानता होती है वो रिसोर्सेज पे, प्रॉपर्टी पे कंट्रोल के वजह से उत्पन्न होती है। अर्थात ये कहीं ना कहीं एक कन्वेंशनल और क्राफ्टेड इनइक्वालिटी है, जिसे हम परंपरागत या बनाई गई असमानता कह सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी जन्म जो प्राकृतिक असमानताएं हैं वो आपकी जो कन्वेंशनल असमानताएं हैं उनका आधार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम असमानता को दूर रख पाएंगे। अब हम लोगों को इक्वल कैसे कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग पीपल इक्वल। सी, इक्वालिटी, सबसे पहले महत्वपूर्ण जानना यह है कि समानता का मतलब कभी भी लिटरल समानता नहीं होता कि हर चीज़ में समानता ला देनी है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। समानता जब हम लोगों के एक नैतिक समानता की बात कहते हैं, जैसे कि नैतिक रूप से सभी मनुष्य समान होने चाहिए, इसे हम फाउंडेशनल इक्वालिटी भी कहते हैं। और एक दूसरी इक्वालिटी है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी कहते हैं, जिससे इस राजनीतिक विज्ञान में, समाज विज्ञान में सरोकार ज़्यादा है।
डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी के सेंस में ह्यूमन बीइंग न केवल मोरली इक्वल होंगे बल्कि मटेरियली भी इक्वल होंगे। जब हम मोरली और मटेरियली दोनों ही तरह से इक्वल होने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, जिसे हम कई बार सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के थ्रू इक्वालिटी प्राप्त करने का, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी प्राप्त करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और दूसरा इक्वालिटी ऑफ आउटकम, अर्थात हम लोगों को अवसर की समानता प्रदान करें, उसके बाद उन अवसरों की समानता होने के बाद उनके प्रयास ही उनके लिए समानता या असमानता, जिस तरह की भी समानता क्रिएट करें, उसे वो स्वीकार करें। दूसरा यह है कि हम ये फिक्स कर दें कि आउटकम जो है वो हमेशा समान हो, लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत सारी कृत्रिम चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें बहुत सारे प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कम प्रतिभावान और बराबर और ज़्यादा प्रतिभावान दोनों के बीच एक बैलेंस नहीं बन पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स में सोशल जस्टिस को एक कॉन्सेप्ट के रूप में, सोशल जस्टिस के टूल के रूप में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, या जिसे हम रिजर्वेशन भी कहते हैं, उसको अपनाया गया है ताकि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बनी रहे और इक्वालिटी ऑफ आउटकम को भी कुछ हद तक प्राप्त किया जा सके। जैसे कि हमारे देश में भी SC ST OBC के लिए कुछ स्थानों का आरक्षण किया जाता है, या कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऑफ आउटकम कुछ हद तक प्राप्त करने की ज़रूरत है, और या कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम में भी। जहाँ तक डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी की बात है, समानता के आयाम, विभिन्न आयाम, तो हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, फॉर्मल इक्वालिटी, औपचारिक समानता, और दूसरा सब्सटेंसिव इक्वालिटी, जिसे हम कई बार मूल या वास्तविक समानता भी कह सकते हैं। हम फॉर्मल इक्वालिटी के तहत हम दो तरह की समानताओं की बात कर सकते हैं, लीगल इक्वालिटी दैट इज़ वैदिक समानता, और पॉलिटिकल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी का मतलब है इक्वल लीगल स्टेटस या इक्वालिटी बिफोर लॉ इन ए सोसाइटी, वाइल पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस, अर्थात वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, और इसके साथ ही किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में चुने जाने का समान अधिकार हमारे पास होना चाहिए। हम देखते हैं कि इन फॉर्मल इक्वालिटीज़, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ को जो लिबरल कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं उनमें तो सिक्योर किया जाता है, और यह प्रयास किया जाता है कि समान रूप से वितरित किया जाए, लोगों को सबको समान रूप से मिले। दूसरी तरफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी है, जिसके तहत सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है। सोशल इक्वालिटी का मतलब है समाज में आपके जन्म के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रंग हो, जाति हो, आपका रेश हो, कलर हो। दूसरा है इकोनॉमिक क्वालिटी, अर्थात कहीं जो रिसोर्सेज का बंटवारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा समान होना चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो सोसाइटी में है वो कम से कम किया जाना चाहिए, कम से कम आपके बेसिक नीड्स को जरूर सिक्योर किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि ज़्यादातर समाजवादी समाजों में इस तरह की समानताओं को प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जाती है, न कि फॉर्मल इक्वालिटी जिसमें लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी आती हैं उनके बारे में। अर्थात यहाँ उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों में फॉर्मल इक्वालिटी पे ज़्यादा जोर है, वहीं दूसरी तरफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी पे साम्यवादी राज्यों ने ज़्यादा प्रयास किया है। लेकिन कई बार सामाजिक आर्थिक समानता को सिक्योर करने के लिए फॉर्मल इक्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसा कि चीन रशिया में सुधार मौजूद रहे हैं और हम इसे देख सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न खुद से भी पूछ सकते हैं, क्या इवन जो उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य हैं उनमें सभी को लीगल और पॉलिटिकल राइट्स का इक्वल एक्सेस है? कम से कम हम भारत का अपना एग्जांपल लेकर ही खुद से पूछ सकते हैं, क्या हम सभी को इक्वल लीगल पॉलिटिकल एक्सेस है? जो गरीब हैं, जो कम संपदा संपन्न हैं, शायद उनके लिए इक्वल लीगल राइट एक बात कहना उचित नहीं है। आज भी गरीब कानूनी न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं है कई कारणों से, क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जिसमें वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक रूप से जो स्ट्रांग हैं वो इसे ज़्यादा आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। इसी तरह राजनीतिक अधिकारों की भी बात है, जहाँ हम यह देखते हैं कि हमारे पास वोट का अधिकार तो है लेकिन पॉलिटिकल ऑफिसर्स पर भी चुने जाने का उतना ही समान अधिकार है? शायद नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं वो कई बार फॉर्मल इक्वालिटी को भी हिंडर करती हैं, अतः यह बहुत ज़रूरी है कि इस दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाया जाए। अब अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड इक्वालिटी की बात करें, अर्थात अधिकारों और
अधिकार और समानता के बीच क्या संबंध है, तो हमें थोड़ा पीछे समय से हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 पर अगर हम ध्यान दें तो इसने बात की, तीन अधिकारों की बात की थी उसने, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन फंडामेंटल राइट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर शुड बी इक्वल राइट्स ऑफ लिबर्टीज टू ऑल, यानी सबको समान रूप से सभी अधिकारों की, सभी स्वतंत्रताओं का अधिकार। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड्स ऑफ राइट्स एंड डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। अगर अधिकारों के डिमांड की आप बात कहें देखें तो एक्चुअली अधिकारों के मांग के द्वारा ही समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समानता आई है। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स थे, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसको हम कहते हैं, उसमें राजा और उसके कोर्ट में रहने वाले लोगों के समान ही अधिकारों की मांग, अर्थात बिना किसी गलती के आपको अपराधी न घोषित किया जाए, आपको उतना ही सजा मिले जितना कानून में निश्चित है, ऐसे अधिकारों की, समान अधिकारों की मांग, जैसे प्रिविलेज राजा और कोर्टमैन करते थे, की मांग सबसे पहले बुर्जुआ लोगों ने की। ठीक है, बुर्जुआ जो मध्य वर्ग उदय हो रहा था उस समय, तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो फॉर्मल इक्वालिटी है, सिविल पॉलिटिकल राइट्स हैं, लीगल पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनका प्रसार मध्य वर्ग में हुआ, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स भी कहते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स में जो दूसरे पीढ़ी के अधिकारों की मांग थी, जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स भी कहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, उनकी मांग लेबर क्लास ने बाकी के वर्गों से की, मध्य वर्ग और जो प्रीवियस क्लास था उनसे, उनने कहा कि हमारे पास भी सामाजिक आर्थिक अधिकार बराबर रूप से होने चाहिए। इस तरह से सामाजिक आर्थिक समानता की तरफ समाज आगे बढ़ा, जिसे हम कई बार सोशलिस्ट राइट्स भी कहते हैं। इसके बाद अपनी सरकार, अपने सिविल पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की डिमांड किसने की? ये तीसरी दुनिया के जो कॉलोनाइज्ड नेशन थे उन्होंने डिमांड की ऐसे ही अधिकारों की। तो इसके बाद ये दोनों ही तरह के अधिकार जो हैं, खास करके सिविल और पोलिटिकल राइट्स जो हैं, जो इन लोगों को ही प्रदान किए गए, तो अधिकारों की और ज़्यादा समानता, अधिकार अर्थात अधिकारों ने लोगों के बीच और ज़्यादा समानता क्रिएट की। उसके बाद जब इन देशों में, तीसरे विश्व के देशों में जब इनकी अपनी सरकारें स्थापित हुई, तब जाकर इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, सेक्सियो इकोनॉमिक राइट्स और इक्वालिटी के पक्ष में भी बहुत सारे काम किए। भारत भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसे हम समझ सकते हैं। BA फर्स्ट ईयर ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए इतनी बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद की बातें भी जान सकते हैं, जो हमें पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को जानना चाहिए। अभी तक जो हमने बात की, कहीं ना कहीं वो एक इक्वालिटी की एक सामान्य धारणा है, समानता की सामान्य धारणा है। माइकल वॉल्जर एक स्कॉलर हैं, जिन्होंने अपनी किताब स्फीयर ऑफ जस्टिस, जो 1983 के आसपास पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने दो तरह की समानताओं की बात की है। एक्चुअली दो तरह की समानताओं का विभाजन किया है, एक उन्होंने सिंपल इक्वालिटी कहा है और दूसरे को कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। सिंपल इक्वालिटी मतलब समाज समान, आप कह सकते हैं साधारण समानता, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी यानी जटिल समानता। सिंपल इक्वालिटी क्या है? सिंपल इक्वालिटी गुड्स, कुछ जो गुड्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं समाज में वस्तुओं का वितरण जो है वो समान वस्तुओं का वितरण है, जैसे इनकम, वेल्थ, पावर, इन सभी वस्तुओं का वितरण अलग अलग लोगों को लेकिन एक ही क्राइटेरिया के द्वारा करना, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम गुड लाइक इनकम, वेल्थ, पावर टू द डिफरेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म क्राइटेरिया ऑफ टैलेंट, नीड, एफोर्ट, etc. अर्थात कहीं ना कहीं एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सिक्योर करने की बात है। सिंपल इक्वालिटी ऑल्सो ट्राइज टू कंटेन वास्ट डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन ए सोसाइटी। लेकिन जब हम सिंपल इक्वालिटी को लागू करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि ये समाज में खास करके जो मार्केट, फ्री मार्केट सोसाइटी है, उसमें क्या करती है, बड़े पैमाने पर डिस्पैरिटीज को जन्म देती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी अयोग्यता जो है वो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं, आपके पास वो वैसे रिसोर्सेज नहीं है जिससे आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकें, और जिसके कारण जब गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें आप घाटे में रहते हैं। अर्थात अगर यह एक लिबरल मार्केट सोसाइटी है तो वहाँ पे निश्चित रूप से समानता जो है सो असमानता को बढ़ावा देगी। इसलिए माइकल वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात की, उन्होंने इसे एक अल्टरनेटिव टूल के रूप में देखा डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी को प्राप्त करने के लिए, एक अल्टरनेटिव है, एक अलग तरीका है। यह क्या है, एक अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग लोगों का वितरण है, यह एक ही तरह की वस्तुओं का अलग अलग लोगों में वितरण नहीं है, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग तरह के लोगों में वितरण है।
जैसे कि उनका कहना है कि समाज के अलग अलग स्फीयर्स हैं, जैसे मार्केट है, फैमिली है, या कोई प्रोफेशन हो सकता है, पॉलिटिक्स जैसे कि। अब जो प्रिंसिपल हम मार्केट में लगाते हैं, जैसे कि बराबर की हिस्सेदारी, वही चीज़ आप फैमिली में उस प्रिंसिपल को नहीं लगा सकते। कई बार फैमिली में वैसे बहुत सारे काम करते हैं जिसके लिए हम ये नहीं सोचते कि इसमें मेरी बराबर का फ़ायदा है या नहीं, लेकिन जब आप मार्केट प्लेस में होते हैं हमेशा ये देखते हैं कि हमें बराबर की वस्तु प्राप्त हुई या नहीं, जितनी वैल्यू की हमने, जितना पैसा दिया हमने, उसके बराबर की वस्तु मिली या नहीं मिली। अर्थात अलग अलग स्फीयर्स हैं, उनमें एक ही प्रिंसिपल के द्वारा काम नहीं किया जा सकता है। दिक्कत क्या है कि एक ही ऐसा देखा गया है कि वन पर्सन्स प्री इमिनेंस इन वन स्फेयर कैन बी सिंपल इक्वालिटी में, अगर आप किसी खास स्फेयर में प्रोमिनेंस है तो आपको अलग अलग दूसरे स्फेयर्स में प्रोमिनेंस मिल जाता है। लेकिन इसी बात को समाप्त करने की, इसे कंट्रोल करने की बात माइकल वॉल्जर कहते हैं, अर्थात अलग अलग स्फेयर्स में आपका अलग अलग वैल्यू हो सकता है। एक तरह से जैसे आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर या प्रोफेसर है, शायद उसका सोसाइटी में एक बहुत ही हाई वैल्यू है, हाई वर्थ है, लेकिन इकोनॉमिकली उसका वर्थ उतना नहीं है जितना कि एक बड़े बिजनेसमैन का हो सकता है। उस बिजनेसमैन का अपने पैसे के बल पे वो पॉलिटिक्स में भी एक ज़्यादा मजबूत पकड़ रख सकता है, लेकिन एक टीचर या शिक्षक या स्कॉलर ज्ञानवान होने के बावजूद भी शायद राजनीति उसे उतना वर्थ ना मिले। अर्थात एक क्षेत्र में प्रोमिनेंस आपको दूसरे क्षेत्र में प्रोमिनेंस जो बढ़ा देती है, इसको इन्होंने कम करने की बात की है, इस प्रोमिनेंस को ख़त्म करने की बात की है। और यह कहा है कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी पे अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग स्फीयर्स में लोगों को के जो प्रोमिनेंस हैं उनको इक्वल बात, उनके बीच समानता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस इन इकोनॉमिक स्टेटस विल नॉट प्रोवाइड अ पर्सन प्रोमिनेंस इन सोशल प्रेस्टीज एंड पावर, राइट। कहीं ना कहीं एक तरह से ये सोशल प्लुरलिज्म की बात है, लेकिन कई लोग माइकल वाल्जर की संकल्पना की क्रिटिक भी करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई रिलायबल मेथड हमारे पास नहीं है जिसमें हम ये कहें कि मान लीजिए मार्केट में वस्तुओं का एक मूल्य निर्धारित है, लेकिन प्रेस्टीज का क्या मूल्य हो सकता है? क्या प्रेस्टीज का कोई हम इकोनॉमिक वैल्यू लगा सकते हैं? नहीं। फैमिली में इमोशंस है, उसका क्या हम कोई इकोनॉमिक वैल्यू लगा सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर हम इसे बराबर कैसे करेंगे, हम इसे कैसे मापेंगे? ये बड़ी समस्या है। दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं वॉल्जर इथिकल कंसिडरेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशन पर उतना नहीं दे रहे हैं, राइट। इथिकल कंसिडरेशन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए माइकल वॉल्जर के क्रिटिक्स जो हैं ये आर्गू करते हैं कि वॉल्जर्स स्कीम ऑफ थिंग्स एम्बॉडीज ए स्ट्रॉन्ग मॉरल फिलॉसफी बट इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिलॉसफी। अर्थात मॉरली ये बात करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसको राजनीतिक प्रिंसिपल के रूप में लागू करना आसान नहीं है, ये मुश्किल है बहुत। इसकी वो कुछ कोई एक ब्लूप्रिंट या कोई खांचा तैयार कर नहीं देते हैं। अतः माइकल वॉल्जर की संकल्पना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक लिबरल मार्केट सोसाइटी में समानता स्थापित करने का प्रयास करती है, ज़्यादा से ज़्यादा समानता प्राप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको इस पार्टी के बारे में समझ कुछ विकसित हुई होगी। आप इससे रिलेटेड प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।